और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। नाउ पहली प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन y मीडियन इक्वल टू a प्लस बी एक्स मीडियन। यहां पर हमारा ओरिजिन क्या है a और स्केल क्या है हमारा b। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियम। एब्सोल्यूट मतलब उसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉडुलस लेना है। तो जितने भी आपके डेविएशन फ्रॉम मीडियम होंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन यदि हम उसका सम करते हैं तो वो मिनिमम आएगा। मिनिमम का मतलब है यदि हमने मीन से निकाला, मीडियम से निकाला, मोड से निकाला, तो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम और मोड और मीन के कंपैरिजन। ये हमारी दो प्रॉपर्टी है मीडियंस की। अब देखिए पहली प्रॉब्लम, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। मीडियन ऑफ y, इट मींस इट इज गिवन y मीडियन इक्वल टू 11। अच्छा वहां पर इक्वेशन क्या है भाई, 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। यदि हम इसको मीडियन निकालना है तो 5x मीडियन माइनस 2y मीडियन प्लस 7 इक्वल टू 0। 5x मीडियन, y मीडियन का वैल्यू आपका 11 है, तो यदि हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 5x मीडियन 22 माइनस 7 15 आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मीडियन, हमारा x मीडियन का वैल्यू 3 के इक्वल आ गया। सो द वैल्यू ऑफ x मीडियन इज इक्वल टू 3, ये हमारा x मीडियन के इक्वल आ गया। अब बेटा ये तो मीडियन आपका कंप्लीट हो गया कि मीडियन की प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके थ्योरेटिकल वे में पूछी जाएगी कि एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, चार ऑप्शन दे देगा, मीन, मीडियन, मोड। तो आपको आंसर क्या लगा के आना, मीडियन लगा के आना। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं, पहली बात कर रहे हैं हम क्वार्टेंस की। क्वार्टेंस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देयर विल बी 3 क्वार्टेंस, देयर विल बी 3 क्वार्टेंस। अब ये 3 क्वार्टेंस क्या क्या होंगे आपके, ये देखिए, Q1 फर्स्ट क्वार्टेंस, Q2 सेकेंड क्वार्टर, एंड सेकेंड क्वार्टर इज इक्वल टू मीडियन, दिस इज इक्वल टू मीडियन। Q3 थर्ड क्वार्टर, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। यदि हमारी ऑब्जर्वेशंस आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रीट के लिए, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, यदि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है Q1, सो द Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4 ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द थर्ड फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल तो मीडियम है, यदि हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1/4 ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द थर्ड क्वार्टाइल। तो ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए इस तरह से हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करेंगे। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमारे पास डाटा क्या क्या है, हमारे पास डाटा है 19, 23, 15, 8, 29, 37,
64, 93, 45, 82. These are the data. अब यदि मुझे फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर निकालना है तो सबसे पहले अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं जैसे मीडियम में कर देते. सबसे छोटी वैल्यू 8, 8 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना है 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 37, 37 के बाद 45, 45 के बाद 64, 64 के बाद 82 and 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी 10 वैल्यूज होगी. तो n इक्वल टू 10. अब यदि मुझे Q1 निकालना है तो हमने क्या बोला था, n+1/4th ऑब्जर्वेशन. तो ये आ गया 10+1/4th ऑब्जर्वेशन. कितना आ गया 10+1/4, 2.75th ऑब्जर्वेशन. 2.75th ऑब्जर्वेशन. अब 2.75th ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी बेटा, ये देखना. Q1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 15 प्लस 0.75. देन अगला वाला वैल्यू क्या है 19 और -15, पहले वाले से डिफरेंस. तो ये आ गया 15+0.75 × 4. तो हमारा Q1 आ गया 18. अब यदि मुझे थर्ड क्वार्टर निकालना है तो थर्ड क्वार्टर है हमारा 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब 3 × 2.75th ऑब्जर्वेशन. तो ये आ गया 8.25th ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट इज 8th ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले 8th ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट. तो 8th ऑब्जर्वेशन है हमारी 64 + 0.25 और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 82. तो 82 − 64, तो ये आ गया 64 + 0.25 × 18. तो ये आ गया 64 और 18 का 1/4, 4.5. सो द थर्ड क्वार्टाइल विल बी 68.5. तो हमारा ये थर्ड क्वार्टाइल हो गया. तो बेटा क्वार्टाइल्स आप इस तरह से निकालेंगे. अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ डेसाइल्स पर. हाउ टू फाइंड द डेसाइल फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन. भाई हम कंटिन्यूअस की इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि कंटिन्यूअस की वो नहीं पूछ पाएगा. कंटिन्यूअस की वो पूछ भी नहीं पाएगा. आपको सिर्फ क्या पूछेगा, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए डेसाइल परसेंटाइल ये पूछेगा. तो डेसाइल की बात कर रहा हूँ. डेसेंस डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 10 equal parts. इन 10 equal parts देर विल बी 9 decels. देर विल बी 9 decels. कौन कौन सा होगा, D1, D2, D3, D9. Now D5 will be equal to median. जैसे आपका Q3 median आया था तो यहाँ पर आपका D5 किसके इक्वल आएगा, median के इक्वल आएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को D6 3 निकालना है तो हम बोलेंगे 3n+1/10th ऑब्जर्वेशन. सब मुझे D7 निकालना है तो 7n+1/10th ऑब्जर्वेशन. इस तरह से हम डेसाइल्स निकाल लेंगे. D3 मतलब थर्ड डेसाइल, D7 मतलब सेवन डेसाइल, D6, D9, D8 इस तरह से हम फाइंड आउट कर देंगे. अब जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं.
फाइंड द सेवंथ डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा, सेवंथ डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा, सेवंथ डेसाइल निकालना है भाई। क्या क्या वैल्यू है? 94, 117, 85, 79, 103, 125, 169, 148, 157, 135, 101, 89. Now we have to find the seven decimal. Again, काम बिल्कुल सेम है. Arranging the data in ascending order. Arranging the data in ascending order. देखो सबसे छोटा ढूंढो क्या है? 79. 79 के बाद 85. 85 के बाद 89. 89 के बाद 94. 94 के बाद मुझे 101 दिख रहा है, 103 दिख रहा है, देन 117, 125, 135, 150, 48, 157, 169. तो इनको हमने सबको अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. अब ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो n = 12. अब मुझे निकालना था बेटा D7. तो 7n + 1/10 ऑब्जर्वेशन. तो 7 12 + 1/10 ऑब्जर्वेशन. तो 7 × 1/3 ऑब्जर्वेशन. तो हमारा आ गया 9.1 ऑब्जर्वेशन. अब देखिए 9.1 नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है हमारी 135. दिस इज द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.1 डिफरेंस फ्रॉम द नेक्स्ट 148 − 135. तो 135.01 × 13 दिस इज इक्वल टू 135 + 1.3. सो व्हाट विल बी द सेवन डेसाइल? 136.3. So this will be the seventh decile. ये आपका seventh decile आ गया. अब next हम part बात करते हैं percentile. Now what is percentile? Percentile will divide the set of observation into 100 equal parts. Percentile will divide the set of observation into 100 equal parts. 100 equal parts में डिवाइड करना है परसेंटेज. परसेंटेज इट डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. देयर विल बी हाउ मेनी रेट परसेंटेज? There will be 99%. Now it will be denoted by P1, P2, P3, up to P99. And what will be the median? Median will be P50. For example, if we want to find out the P37%, then it will be written as 37n + 1/100 observation. Suppose for example P63, so 63n + 1/100 observation. In this way we will find percentiles. Let's take an example. For the pollen data we have to find the percentile. Find the percentile for the pollen data. Find the percentile. Which percentile? 47% for the pollen data. For the following data.
43, 79, 84, 56, 85, 71, 50, 25, 39, 44, and 63. Now again arranging the data in ascending order. Arranging the data in ascending order. Ascending order. Now what is the least value? 25. Then after this 39. Then 43, 44, 50, 56, then 56 after this 63, 63, 71, 79, 84, 85. Now how many observations are there? 4, 5, 9, 11. Now percentile P 47, 47 and plus 1 by 100 observation. So 47, 11 plus 1 by 100 observation. So this will become 47 into 0.12 observation. Now 47 into 0.12, 47 on 417.94. Then 55.64, 4712. Now fifth observation, first, second, third, fourth, fifth, 50. 0.64 difference from the next. So 54 plus 0.64 into 6, 50 plus 64, 24, 36, 3.84. So what is the final value? 53.84 is the 47th percentile. तो ये हमारा percentile बेटा complete हो गया. तो median का part है ये. अब हम बात करेंगे next central tendencies. और वो है हमारा मोड. नाउ नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी मोड. नाउ व्हाट इज मोड? द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली इज नोन एज मोड. जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आएगा उसको हम मोड बोलेंगे. द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली या विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दिस विल बी मोड. ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली, विच अकर्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड. ना मोड फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वो तो बड़ा इजीली आपको दिख जाएगा कि मोड क्या है. और जैसे आपका ये आ गया एक प्रॉब्लम आ गया, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ. इफ मोड ऑफ 5355797874x इज 7, फाइंड x. अब देखो हम ये देख रहे हैं कि 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, और हमारा 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स. अब ये दोनों बराबर बार आ रहा है, तो यदि x आपका 7 होगा तभी इसका मोड 7 आएगा, क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है, 7 3 टाइम्स आ रहा है. और यदि ये वाला x 7 हो गया तो 7 आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मोड क्या हो जाएगा आपका 7. तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका 7 आ जाएगा. अब लेकिन हम बात करते हैं मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यदि मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला है मोड इक्वल टू
एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय एच. नाउ व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. जो भी मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही होगी. नाउ एफ जीरो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास. नाउ व्हाट इज एफ वन? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. फिर एफ टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. एंड व्हाट इज दैट? एच, लेंथ ऑफ मॉडल क्लास, क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और हम ये पहले भी बता चुके हैं, मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली किस सिंबल से डिनोट करते हैं? जेड से. अब देखो, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं और उसका मोड निकालते हैं. फाइंड द मोड फॉर द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या गिवन है ये देखते हैं. नाउ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1 टू 10, 11 टू 20, 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50 एंड 51 टू 60. एंड द फ्रीक्वेंसी इज 5, 11, 18, 14, 9, 8. Now for this we have to find the mode of the distribution. Now this distribution is the inclusive frequency distribution. This distribution is a inclusive frequency distribution. तो इसको हमें किसमें से convert करना पड़ेगा? Converting this distribution into एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब बेटा एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट होगा ये समझो. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 और 11 का डिफरेंस 1 और 1 का हाफ एच बाई 2 0.5. यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से ऐड करेंगे, तो जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. तो मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं आपके एक्सक्लूसिव में. देखो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये बना हमारा 0.5 से लेकर 10.5, फिर बना हमारा 10.5 से लेकर 20.5, 20.5 से लेकर 30.5, 30.5 से लेकर 40.5, 40.5 to 50.5 and 50.5 to 60.5. Now frequency is 5, 11, 18, 14, 9, 8. अब बेटा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 18. ये 18 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये हमारा F1 होगा. This will be the F0 और ये आएगा F2 and this will be the model class, model class. तो model class हो गया आपका 20.5 to 30.5. तो L आ गया 20.5, F0 हो गया आपका 11, F1 आ गया आपका 18 और F2 आ गया 14.
और एच आ गया आपका, इनका डिफरेंस कितना 10, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं मोड इक्वल टू एल 20.5 प्लस एफ वन 18 माइनस F0 11, 2F1 36 माइनस 11 माइनस F2 14 मल्टीप्लाइड बाय एच, सो दिस इज इक्वल टू 20.5, ऊपर हो गया 7 × 10 = 70 एंड दिस इज 11. नाउ 20.5 दिस विल बी बिकम 6.3636. सो फाइनल आंसर विल बी 26.8636. दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगेन प्रॉपर्टी सेम चलेगी बेटा, एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, मोड अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी. मोड अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन एंड स्केल इज y इक्वल टू a प्लस bx, देन वी विल राइट y मोड इक्वल टू a प्लस bx मोड. अगेन वही वाली बात, a इज ओरिजिन एंड b इज स्केल, तो इसका ओरिजिन और स्केल ये हो गया. अब यदि हम इस पर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बिल्कुल वही काम करना है आपको, इसमें करवाना है सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी मोड होगा डायरेक्ट आपको इस पर प्रॉब्लम इस तरह की मिलेगी. जैसे आपसे बोल दिया एग्जांपल, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड है, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स एंड वाई आर रिलेटेड है, 7x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. इफ मोड ऑफ x इज 3 देन फाइंड मोड ऑफ y, तो हमें मोड ऑफ y निकालना. अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ मोड 7x मोड माइनस 3y मोड प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ इट इज गिवन x मोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मोड, 3y मोड प्लस 9 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर 3y मोड इक्वल टू 21 प्लस 9 इक्वल टू 30. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई y मोड, y mod is equal to 10. तो y mod की वैल्यू आपकी 10 की इक्वल. तो ये हमारा मोड कंप्लीट हो गया बेटा, मोड में अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आ जाएगी बस. अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड. क्या होता है कि जो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉडरेटली मतलब जो थोड़ा सा वेरी कर रहा है हल्का सा, तो फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन निकाला गया है, वो है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 times ऑफ मीन माइनस मीडियन. या इसको यदि मैं सोल्व करूं तो मोड इक्वल टू 3 median - 2 mean. दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. अब इस पर प्रॉब्लम किस तरह की बन सकती है, जैसा आ चुकी है, इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये हमसे पूछा गया। अब कैसे करेंगे समझिए, पर सिंपल सी बात है, हमें फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा। हमें पता है कि मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 times ऑफ मीन माइनस मीडियन। नाउ मीन माइनस मोड मतलब डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। नाउ इट इज गिवन 63 और ये है आपका डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, यही हमें निकालना था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट विल बी द आंसर, 21 विल बी द आंसर। एक प्रॉब्लम और पूछी जा सकती है, जैसे आपसे बोल दिया फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बोल दिया बेटा moderately skewed distribution, if आपको given है mean equal to 3.57 and mode equal to 2.13, then we have to find the median। तो हमें median की value निकालना, then find median। अब देखो एक चीज तो आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, हमेशा मीन सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद मीडियन आएगा, फिर मोड आएगा। मतलब मीडियन विल बी द वैल्यू बिटवीन दीज टू वैल्यूज, इसके बीच में है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस नहीं गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नाउ व्हाट इज मोड, 2.13, we have to find median minus 2 mean, mean is 3.57, so from here 3 median equal to 2.13 plus this is equal to 7.14, so 3 median equal to 9.27, so divided by 3 3.09, so the what will be the median, will be 3.09, this will be the median। तो बेटा ये अब हमारा mean, median and mode ये complete हो गया है। next lecture में हम बात करेंगे how to find geometric mean and harmonic mean, ये हम इसमें next lecture में बात करेंगे।